सबसे पहले ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू म्यू टू 1-1, दूसरे प्रकरण में 1/r1-1/r2। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में जो प्लेन सरफेस होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। और जो पहला वाला ये इंटरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा। मान लेते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 इज इक्वल टू प्लस r, क्योंकि राइट साइड में ही होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में ही होगा ना, यहाँ होगा। मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है प्लस r, ये मान लो p है या p1 मान लो, इसको p2 मान लो। तो क्योंकि प्लेन है सरफेस दूसरा वाला, दूसरा इंटरफेस प्लेन है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनेटिव होगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूं ये सारी वैल्यू और अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, बाहर का μ1, इसका अंदर का μ2, बाहर का μ1, तो क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू μ21-1, 1/ पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? प्लस r, और दूसरा क्या है? इन्फिनेटिव है, तो ये तो ज़ीरो हो जाना है। तो 1/f इज इक्वल टू μ21-1 × 1/r। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, f इज इक्वल टू r/μ21-1। ये होगा फोकल लेंथ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का। इसमें कुछ करना ही नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पुट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का पुट करना है और फोकल लेंथ निकालनी नहीं। इसमें देखो, इसमें दोनों का बाई कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले इंटरफेस दूसरे इंटरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं r ही है दोनों का। इसका प्लस r होगा और दूसरे वाले का माइनस r होगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा c2, और इस पहले वाले का c1 इधर कहीं होगा। तो c1 प्लस r होगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और c2 की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस r होगी। तो ये वैल्यू जब इस फॉर्मूले में रखी जाएगी तो क्या होगा? μ21-1 एक ब्रैकेट में 1/+r -r, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? μ21-1 ब्रैकेट में 1/r +1/r, यानी ये आ जाएगा μ21-1, 2/r आएगा, 1/f की वैल्यू, और f की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू r/2 ब्रैकेट में μ21-1, ये आएगा फोकल लेंथ। तो शॉर्ट में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है दोनों मीडियम का और रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है और बाई कॉन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ही है मान लेते हैं, तो ये इस फॉर्मूले से आप सीधे फोकल लेंथ निकाल सकते हो। और अगर ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक साइड कॉन्वेक्स है दूसरी साइड प्लेन है, तो आप ऑब्वियसली बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कर्व सरफेस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर वो यूज़ करोगे सिर्फ अपॉन μ21-1। तो कॉन्वेक्स लेंस का बाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कम होता है इन कंपेयर टू अगर देखा जाए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, अगर रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाए। देखो इसका 1/2 नीचे है, इस यहाँ पर 1/2 नहीं है, तो यानी ये डबल है इसका, इसके कंपेयर में बाई कॉन्वेक्स लेंस के कंपेयर में वो डबल है।